असलम वेलकम टू माई चैनल लासवाज होम कुकिंग आज आपके साथ रियल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ नो no डाउट इंतहाई लजीज है जूसी और मज़ेदार से कबाब बनते हैं रियल पिशावरी चपली कबाब में फैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं नलियों का इस्तेमाल किया जाता है मगर मैं इसके बग़ैर बनाऊंगी फिर भी जूसी और मज़ेदार बनेंगे और रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है सात ग्राम और ये मशीन से निकला हुआ कीमा है इसमें अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे एक टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है और इसमें कुटी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे तमाम पीज़ें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ आपने यही चीज़ें शामिल करनी है मगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो तीन टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर दी हैं इसके बाद कूटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ टू टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया शामिल करेंगे इसके बाद अजवाइन पाउडर शामिल कर देंगे पिसी हुई अजवाइन है एक टेबल स्पून भर के शामिल की है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे एक टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें टू टेबल स्पून इसके अलावा चॉप की हुई प्याज़ है एक दरमिया साइज की प्याज़ है चॉप कर लिया है ये इसमें ऐड कर देंगे आपने बारीक करके चॉप करके ऐड करनी है अगर ज़्यादा मोटी होगी तो कबाब फट जाते हैं इस तरह से और उसके बाद अनारदाना इसमें ज़रूर शामिल किया जाता है चार से पाँच टेबल स्पून अनारदाना जिसको धोकर मैंने शामिल कर रही हूँ अनारदाना के बाद इसमें टमाटर शामिल किए जाएंगे टमाटरों को मैंने बारीक साइस इसमें काट लिया है इससे क्या होता है कबाब फटते नहीं है अगर हम मोटे साइज के टमाटर शामिल करेंगे तो कबाब फट जाते हैं हरी भी मिर्ची भी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ तकरीबन तो आठ से दस हरी मिर्चियां जो कि बारीक काट ली हैं इसके बाद इसमें हरा धनिया भी जाएगा पूरा एक बंश मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कीमे की क्वांटिटी की के मुताबिक इसमें दो अदद अंडे शामिल करेंगे इसके बाद मैं इसमें भुना हुआ बेसन शामिल कर रही हूँ थ्री फोर्थ कप के बराबर या चार से पाँच टेबल स्पून भर के शामिल कर दीजिएगा वैसे तो इसमें मकई का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपके पास अवेलेबल है आप मकई का आटा शामिल कर लीजिएगा बेसन भी शामिल किया जा सकता है भुना हुआ जो भुन भुने हुए चने होते हैं उसको भी आप ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इनको मैरिनेट करके जरूर रखना है जितना ज़्यादा टाइम है आप इसको रख सकते हैं मेरे पास एक घंटे का टाइम था तो मैंने इसको एक घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम पूरा हो चुका था तो मैंने एक लोहे के तवे पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे बड़े बड़े से आपने कबाब बनाने हैं हाथ पर फैलाकर जितना साइज़ आपको पसंद हो वो वैसे बना लीजिएगा और कबाब को हम फ्राई कर लेंगे जैसे ही इसकी एक साइड पकना शुरू हो जाएगी टर्न कर लेंगे जो भी रिक्वायर्ड कलर होगा वो आप उस तरह से फ़्राई कर लीजिएगा तमाम कबाब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अभी ये तमाम कबाब काफी अच्छे फ्राई हो चुके हैं आपको जो भी कलर पसंद हो आप फ्राई कर लीजिएगा और इसको मैंने तीन से चार मरतबा टर्न किया है और ये कलर आ चुका है अब इन पे ऊपर और काफी अच्छे मैंने इनको प्रेस करते हुए फ्राई किया है तमाम कबाब यहां से निकालेंगे बाकी के की जो कीमा बच बचिया है उसके भी हम इसी तरह से कबाब बना कर फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर आपने इसको डेकोरेट करना है डिश आउट करना है थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी आपने साथ ही फ्राई कर लेना है तवे पर रखकर हरी मिर्चें फ्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको उट करना है अपनी मर्जी की प्याज और टमाटर के साथ सर्व कीजिएगा अपनी मर्जी के रायते और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत जूसी बहुत मज़े के कबाब बनते हैं फ्राई जरूर करना है आपने इस रेसिपी से इनशाला आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी इनशाला नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़